हेलो नमस्कार, मैं विनय कुमार संतोष शर्मा, व्हाइट लॉटस स्पिरिचुअलिटी बेंगलोर के संस्थापक। आज हम बात करने वाले हैं शुक्र ग्रह और बुध ग्रह की युति से जिंदगी में होता क्या है। शुक्र ग्रह, आप जानते हैं कि शुक्र ग्रह जो हमारे जीवन में रोमांस का निर्माण करता है, लव और सेक्स का देवता है, कामदेव कहते हैं उसको। तो यदि चार्ट में शुक्र अच्छा ना हो तो जीवन में होता क्या है कि सेक्स एनर्जी की कमी होती है, जीवन में उल्लास की कमी होती है और प्रीमैच्योर इजैकुलेशन और स्तंभन शक्ति के अभाव का निर्माण होता है। ऐसे हमने पहले भी चर्चा की हुई है। बुध ग्रह एक न्यूट्रल जेंडर है, मतलब क्लीवलिंग कहते हैं इसको, ना पुरुष ना नारी। तो जब शुक्र के साथ में बुध की युति बन जाती है, साथ में घर में बैठ जाते हैं, तो ये सेक्स लाइफ को प्रभावित कर लेता है अनेक अनेक रूपों में। अनेक अनेक रूप का मतलब ये हुआ कि ये हो सकता है कि ऐसा कर दे आपको कि आपका जो सेक्सुअल ओरिएंटेशन है, जिस प्रकार के एक पुरुष को सोचना चाहिए, या यदि आप लड़की हैं तो जिस प्रकार से लड़की को सोचना चाहिए, स्वाभाविक तौर से पुरुष और नारी का जो मिलन होता है उसको हम स्वाभाविक तौर पर कहते हैं। मैं ये बात नहीं करता हूँ कि जो ट्रांसजेंडर्स हैं या जो गेज हैं या लेस्बियंस हैं वो गलत है। हम गलत सही की बात नहीं कर रहे हैं। यदि आप उस प्रकार की आपकी ओरिएंटेशन है और आप खुश हैं जिंदगी में, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि ये आपको अच्छा नहीं लगता है अंदर से, मतलब आप ना तो पुरुष शक्ति में आप निहित हैं, ना ही नारी शक्ति में निहित हैं, और कहीं आप लगता है कि फंस गए आप, तब तो देखना जरूरी है कि आपके चार्ट में बुध ग्रह और शुक्र ग्रह की स्थिति क्या है। तो बुध और शुक्र यदि साथ में बैठ जाते हैं तो एक तो सेक्सुअल डिसफंक्शन हो सकता है, डिसओरिएंटेशन हो सकता है सेक्सुअल अप्रोच के बारे में जीवन में। केवल ये भी देखा गया है कि मैंने एक महिला का चार्ट देखा था, लेडी थी, तो वो लेस्बियन भी है लेकिन साथ साथ में अपने पति के साथ में भी खुश है, मतलब इसको बाइसेक्सुअल भी कह सकते हैं उसको आप। लेकिन आपको जब लगता है कि नहीं, ये दोनों हिसाब से नहीं चलना चाहिए ज़िंदगी, और एक प्रकार से चले, ओरिएंटेशन एक सीधे तरीके से हो यदि आप चाहते हैं, तो ये शुक्र और बुध की स्थिति को आपको ठीक करनी पड़ेगी, बुध और शुक्र को बैलेंस करना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि बुध और शुक्र साथ में बैठ जाने से कई बार ये होता है कि सेक्सुअल डिजायर होती ही नहीं है, मतलब इच्छा तो हो सकती है, मतलब मेंटली आप चाहते हैं कि करना, लेकिन फिजिकल तौर पे आप रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते हैं। ये बहुत दुखदायक स्थिति होती है, क्योंकि मेंटली तो आप चाहते हैं कि जीवन को उपभोग करें, लेकिन आप कर नहीं पाते हैं क्योंकि आपका जो रिएक्शन है, आई एम टॉकिंग अबाउट द फिजिकल रिएक्शन, वो होता नहीं है। तो आप किस प्रकार से आभास कर पाएंगे? मानिए कि आप महिला हैं, लेडी हैं, लड़की हैं, आप चाहती हैं कि सेक्स करें, लेकिन फ्रिजिडिटी है, मतलब यदि ड्राई वेजाइना हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि कोई ऐसा फियर हो या पेनफुल पेनिट्रेशन हो जिसमें कि आपको तकलीफ होती है, या और भी कुछ चीज़ें हो सकती हैं जिससे कि आपको सहवास करने में सुविधाजनक मालूम आपको नहीं पड़ता है। तो इस चीज़ों के लिए बुध और शुक्र की युति को देख के समाधान ढूंढा जा सकता है। यदि पुरुष हैं, यदि हम बात करते हैं कि रिस्पॉन्ड की बात में कर रहा था आपको मैं, तो उसमें माइल्ड इरेक्शन हो सकता है या इरेक्शन ना हो, तो ये भी एक बड़ा दुख वाली बात है कि उसमें पुरुषत्व को बहुत आघात लगता है, और जो पुरुष होते हैं इससे इन्फिनिटी कम्प्लेक्स से घिर जाते हैं। तो जो उसकी अहम भावना है पुरुष होने की, तो उसकी सेक्सुअल डिजायर से रिस्पॉन्ड करने की जो शक्ति होती है उससे होता है, क्योंकि पुरुष होता है एग्रेसिव पेनिट्रेशन, और उसको जैसे विजय प्राप्त करना चाहता हो दूसरे जो साथी के ऊपर में, ये पुरुषत्व की एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। इसमें मैं जेंडर वाइज्ड बातें नहीं कर रहा हूँ, ये नहीं कह रहा हूँ कि पुरुष ज़्यादा समर्थ होते हैं या लड़कियाँ ज़्यादा समर्थ होती हैं, उसकी बात हम कतई नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कि स्वाभाविक तौर से एक पुरुष और नारी किस प्रकार से बिहेव करते हैं, और उनकी जो फिजिकल रिएक्शन कैसा होना चाहिए। यदि फिजिकल रिएक्शंस में दिक्कतें हो रही हैं, तो आपको ये जरूर सोचना चाहिए कि बुध और शुक्र की युति में प्रॉब्लम है। यदि बुध और शुक्र में इशूज है, माने ये मानिए कि बुध बहुत प्रबल है और शुक्र कम पावर का है, तो फिर ये जो नकारात्मक शक्ति की बात कर रहा हूँ, नकारात्मक जो ऊर्जा की बात कर रहा हूँ सेक्स के बारे में, ये बहुत हावी हो जाती है। यदि शुक्र बहुत स्ट्रांग है और बुध वीक है, तो वहाँ तो मैनेज हो जाता है, लेकिन बुध बहुत स्ट्रांग हो और शुक्र ठीक नहीं हो तो गड़बड़ पैदा हो जाएगी। यदि शुक्र डेबिलिटेशन में आपके चार्ट में ऑलरेडी है, तो वैसे ही आपका जो सेक्सुअल प्रति ऊर्जा की कमी होती है। मैं मानसिक ऊर्जा की बात नहीं कर रहा हूँ, मन में तो बहुत विचार उठ सकते हैं लेकिन बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता है, उसकी बात कर रहा हूँ मैं।
तो यदि शुक्र ऑलरेडी डबल डिसन में है तो ये और बुध साथ में बैठा हुआ तो बहुत घातक सिद्ध हो सकता है। इसके लिए आप कुछ भी इलाज कराइए, डॉक्टर के पास जाइए या वायग्रा खाइए या जो कुछ भी करेंगे तो आपको फ़ायदा होता नहीं है। मैं बहुत लोगों को जानता हूँ इसे फ़ायदा होता नहीं है, लेकिन जैसे ही शुक्र को और आप बुध को ठीक करते हैं, शुक्र के लिए आप 7 मुखी फिजिकल बॉडी में काम करने के लिए, 13 मुखी आपको और एक बॉडी में काम करने के लिए और 15 मुखी रुद्राक्ष जो है बुध के लिए। बुध के लिए और एक रुद्राक्ष होता है रामबाण सिद्ध होता है, ये रुद्राक्ष आपका है 19 मुखी रुद्राक्ष बुध के लिए काम करता है। तो 15 मुखी 19 मुखी सामर्थ्य के हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटस देखकर आप सोचिएगा, क्योंकि 19 मुखी महंगे आते हैं, 15 मुखी भी कोई सस्ता नहीं है। 13 मुखी और 7 मुखी 7, 13, 15 और 19 ये बहुत पावरफुल कॉम्बिनेशन होता है बुध और शुक्र को ठीक करने के लिए, जीवन में आनंद निर्माण करने के लिए और सहवास शक्ति को बढ़ाने के लिए बहुत मदद करता है।